हेलो गाइस, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं सुमन टेक्नो। दोस्तों, आप टाइम हो गया है रेडमी गो का फुल रिव्यू देने का, क्योंकि मैं लगभग इसको 10 दिन तक यूज़ कर रहा हूं ऐसा प्राइमरी फ़ोन। और इस 10 दिन में मुझे जो जो प्रॉब्लम फेस करने को पड़ा और मुझे जो जो चीज़ अच्छा लगा इस फ़ोन के बारे में, वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। ऐसे भी इस फ़ोन का गिव अवे चल रहा है इस चैनल में। अगर आप लोग उस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किए तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ पार्टिसिपेट कर लो, क्या पता आपको मिल जाए वो फोन। और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले डिजाइन के बारे में। दोस्तों, बैक साइड की तरफ पॉली कार्बोनेट दिया गया है, लेकिन गाइस इसका जो फिनिश दिया है, अब जब हाथ में दोगे तो काफी अच्छा फील देगा। ऐसे भी 4,500 रुपीस में इससे बेटर फोन नहीं मिलता है। ऐसे भी इसका जो कलर है वो भी काफी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड फ्रंट साइड की तरफ इसका डिस्प्ले की तरफ देखोगे तो आपको पुराने दिन याद आएगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले रेशियो है वो है गाइस 16:9 रेशियो, जो कि आपको 2 साल पुराना है। 2 साल पहले आपको ऐसा कुछ डिस्प्ले साइज देखने को मिलता था, लेकिन गाइस 4,500 रुपीस में ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे भी मैं एंड में बताऊंगा ये फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है कि नहीं। और इसका जो डिस्प्ले है वो गाइस HD प्लस डिस्प्ले। इस प्राइस में कोई भी ब्रांड HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये बात काफी अच्छा लगा मुझे Redmi Go का। अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे PUBG इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश करा PUBG इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन इंस्टॉल हुआ ही नहीं। और भी मैं बहुत सारे गेम Redmi Go के ऊपर ट्राई किया, लेकिन गाइस उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत लैग हो रहा था इस फोन में। तो मैं रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा। अगर आप 4,500 रुपीज़ में एक गेम के लिए एक स्मार्टफोन ले रहे हो, आप थोड़ा सा गेम खेलोगे तो मैं रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल ही गेम नहीं खेल पाओगे। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा Redmi 6 से, वो आप ले सकते हो। Asus का भी बहुत सारे स्मार्टफोन है, उसके तरफ देख सकते हो। थोड़ा सा भी गेमिंग के लिए मैं इस Redmi Go को रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। बैक साइड की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, एंड फ्रंट साइड की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। इसका कुछ कैमरा सैंपल मैं यहां पे स्क्रीन में दिया हूं, आप देख सकते हो ठीक ठाक लगा है। 4,500 रुपीस में ऐसा ही कुछ कैमरा सैंपल मिलेगा मेरे हिसाब से, मुझे अच्छा लगा 4,500 रुपीस में। ऐसे भी आपको कैसा लगा इसका कैमरा सैंपल, स्क्रीन में है आप यहाँ पे देख सकते हो, कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं बैटरीज के बारे में। इसका जो बैटरी है वो है गाइस 3000 mAh की बैटरी, लेकिन गाइस मैं जब इसको चार्ज करता हूँ मुझे लगभग 2.5 घंटे के ऊपर चार्ज होने में टाइम लगता है। और मैं इसके ऊपर बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि 3000 mAh की बैटरी 2.5 घंटे नहीं लगता है, 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन ये 2.5 घंटे के ऊपर भी चला जाता है। इसके ऊपर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, रेडमी को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ऐसे भी इसका जो बैटरी ड्रेन है वो भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। मैं सुबह को इसको चार्ज करता हूँ, ऐसा प्राइमरी फ़ोन हिसाब से मैं यूज़ करता हूँ, और लगभग शाम तक भी नहीं जाता है इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है। मुझे पावर बैंक से कनेक्ट करना पड़ता है इस फोन को, तो इसके ऊपर मैं पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जो बैटरी है वो काफी खराब है। ऐसे भी इसका जो डिस्प्ले है वो HD प्लस डिस्प्ले होने के नाते भी यहाँ पे आपको जो बैटरी है वो एक दिन तक भी नहीं चल जाता है, तो इसके ऊपर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और भी एक बात, यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलता है। अभी Redmi का हर फोन में आपको LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलता है, लेकिन गाइस इस फोन में LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं दिया है, तो इसके ऊपर मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इसका एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। अब 2 सिम और 1 microSD कार्ड आप एक साथ Redmi Go में यूज कर पाओगे, तो इसका काफी अच्छी बात ये लगा है मुझे। दोस्तों, आप बात करते हैं क्या ये फोन आपको लेना चाहिए Redmi Go। दोस्तों, मैं ये फोन आपको रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा। मैं 10 दिन तक इस फोन को यूज कर रहा हूं, एंड यूज करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ उसी हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये फोन आप मत लो। अगर आप एक फीचर्स फोन यूज करते हो और ये फोन को छोड़ के आप एक स्मार्टफोन की तरफ देखना चाहते हो,
तो मैं इस फोन को रिकमेंड करना चाहूंगा। वरना अगर आप पहले स्मार्टफोन यूज करते थे फिर भी आप 4,500 रुपीज में ये फोन लेना चाहते हो तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। पहली बात तो यह है कि दुबई में इसका प्राइस है 3,500 रुपीज और इंडिया में इसका प्राइस 1,000 रुपीज ज्यादा है, 4,500 रुपीज। और मुझे नहीं लगता 4,500 रुपीज में आपको गो वर्सन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वर्सन है वो गो वर्सन है। तो मुझे लगता है इससे अगर थोड़ा 500 रुपीज या 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा आप पे करोगे तो आपको Redmi 6A मिल जाएगा, Asus की तरफ से L1 मिल जाएगा जो कि अभी सेल में चल रहा है, तो आप वो फोन की तरफ देख सकते हो। मैं इस फोन को 100% रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा। अगर आप एक फीचर्स फोन यूज करते हो और ये फोन को छोड़ के आप स्मार्टफोन की तरफ देखना चाहते हो तो मैं इस फोन को रिक्वायरमेंट करूंगा, वरना नहीं रिक्वायरमेंट करूंगा। और गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं 10 दिन तक यूज किया हूं एंड उसके बाद ये ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। ऐसे भी अगर आपके पास ये फोन है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या ये फोन आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मुझे तो ये फोन अच्छा नहीं लगा। ऐसे भी ये फोन मैं रिव्यू देने के लिए खरीदा हूं एंड भी इसके ऊपर गिवा वे चल रहा है, मैं आप लोगों को ये फोन दे दूंगा। ऐसे भी आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के लिए मैं जरूर इंतजार करके रहूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, उसके साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब तो मास्ट है, बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।